इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज की सबसे अहम खबर यह रही कि फिल्म अदाकार यूसुफ खान और दिलीप कुमार आज नहीं रहे। बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार का आज इंतकाल हो गया और मौत के वक्त इनकी उम्र 98 साल की थी। दिलीप कुमार तवील अरसे से बीमार चल रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ रहा था। दिलीप कुमार के सेहत के बारे में बताया जाता था कि उन्हें काफी वक्त से सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग यानी कि शहनशाह जज्बात के नाम से ये मशहूर रहे। दिलीप कुमार ने कई यादगार फिल्में की। अदाकारी में ना सिर्फ शाहरुख खान बल्कि सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन भी कई मरतबा यह एतराफ़ कर चुके हैं कि पहले 10 नंबर दिलीप कुमार ही के हैं, इसके बाद दिगर अदाकारों का नंबर आता है। इनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1922 पाकिस्तान के पेशावर में हुई थी। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ रखा गया था। इनके वालिद काम की तलाश में मुंबई आ गए थे, जहां बाद में चलकर दिलीप कुमार ने अपने अदाकारी का सिक्का जमाया। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ से फिल्मी नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया। उनकी पहली फिल्म ज्वारभाटा थी जो साल 1944 में आई थी, लेकिन साल 1949 में बनी फिल्म अंदाज ने उन्हें शोहरत दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। तकरीबन सभी बड़े अदाकारों के साथ उन्होंने काम किया। शक्ति फिल्म में अमिताभ को अदाकारी में शिखर देने की भी बात कही जाती है। दिलीप कुमार की मौत ने फिल्मी दुनिया का वो सितारा खो दिया जिसका अब दोबारा बनना मुमकिन नहीं। कहा यह भी जाता है कि तमाम इंडस्ट्री के अदाकार मिलकर भी एक दिलीप कुमार नहीं बन सकते। खासकर इनकी ज़िंदगी के शरीक हयात सायरा बानो ने आखिरी वक्त तक दिलीप कुमार के खिदमात को अंजाम दिया। वाकई आज भी यह मिसाल कह सकते हैं। सायरा बानो ने अहिल्या होने का पूरा हक निभाया। आज इनके इंतकाल पर बेलगाम शहर से जुड़ी कुछ यादें भी ताज़ा हुई। बेलगाम शहर में काफ़ी मरतबा यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का आना हुआ। खासकर बेलगाम शहर के मशहूर ताजीर इकबाल सेठ से इनके घरेलू ताल्लुकात थे। अक्सर इनके घर पर तशरीफ लाया करते थे। बेलगाम शहर में बरो शनिचर 8 जनवरी 1983 को जेएनएमसी स्टेडियम शाम 6 बजे बाशबन एजुकेशन सोसाइटी की इमारत तामीरी इमदाद के लिए कल्याणजी आनंदजी नाइट का एहतमाम किया गया था। इस वक्त दिलीप कुमार सायरा बानो और दिगर फिल्मी सितारे भी बेलगाम तशरीफ लाए थे। बेलगाम शहर के काफ़ी मशहूर हस्तियों से इनके ताल्लुकात थे, जिसमें साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ साहब के साथ भी काफ़ी नज़दीकियाँ रही। अक्सर बेंगलोर में किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज सेठ के घर वालों से दिलीप कुमार सायरा बानो का मिलना जुलना रहता था, ऐसा फिरोज सेठ ने बताया। बेलगाम के मशहूर सहाफ़ी जनाब मीम फारूक खान साहब से भी इनकी मुलाकात इसी दौरान हुई थी। खैर, आज इनके इंतकाल पर कुछ यादें जो बेलगाम शहर से जुड़ी है उन्हीं मेहमानों की जबान से, आइए देखते हैं। Thank you.
बेलगाम शहर में उनका काफ़ी बार आना जाना रहा, तकरीबन 3 से 4 बार। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं कि इकबाल सेठ साहब का, इनके साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे और यहाँ तक वो बाद में भी इनका खतूत का सिलसिला भी जारी रहा और यहाँ पर वो आकर रिहाइश पज़ीर हुआ करते थे, यहाँ पर वो रहा करते थे। इनसे काफ़ी गहरे ताल्लुकात इनके ख़ानदान वालों से रहे। उनके फर्जंद रहबर सेठ अभी मौजूद हैं, वो अपने तजुर्बात पेश कर रहे हैं और यही वो मकान है जहाँ पर वो अक्सर आया करते थे। तकरीबन 3 से 4 बार यहाँ पर वो आकर गए। कई सारी तस्वीरें भी हैं, कई सारे वो यादों को हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी थी कि वालिद साहब के साथ उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी और बेलगाम शायद 3-4 बार आए हैं। हम तो काफ़ी छोटे थे जब भी, स्कूल वगैरह जाया करते थे, बट मेरे को एक वाक्या मेरे जहन में काफ़ी अच्छी तरह याद है जो उनकी शख्सियत की बुलंदी बयान कर सकता है। और वो ये था कि वालिद साहब के साथ मैं, वालिद साहब और मेरे बड़े भाई, हमारा बॉम्बे जाना हुआ था। तो वालिद साहब रास्ते में उनके लिए पूना में रुक के गुड़ उनको काफ़ी पसंद आता था और घी, देसी घी उनको काफ़ी पसंद आता था, तो उनके लिए हम लेके गए थे बॉम्बे उनके घर पर। और मुलाकात के लिए उनके घर पर गए थे तो उनके पीए ने हमें अंदर बुला के बिठाया और शायद पीए के हाथ से उनको कम्युनिकेट करने में कुछ गलती हुई कि हम लोग आके उनका इंतज़ार कर रहे हैं करके। तो जब ये कुछ देर के बाद उनको मालूम हुआ साहब को, तो जब ये आए तो उनकी शख्सियत की इतनी ह्यूमिलिटी थी कि उन्होंने मुझसे आके, भाई मेरे को माफ़ करना, इकबाल मेरे को माफ़ करना, बच्चे मेरे को माफ़ करना। तो ये इनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी बयान करता है कि इतने बड़ी शख्सियत के बावजूद जो उनके कैरेक्टर में जो सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी थी, वो हर इंसान को एक वो अहदे पर जो होता है, तो एक आम इंसान से वो जुड़ने का यही सिलसिला है कि वो कैरेक्टर में सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी रहने से, वो मेरे को वाकया अभी तक मेरे को मेरे जहन में पक्की तरह याद है कि वो शख्सियत वो इंसान की थी करके। और वालिद गुज़रने के बाद हमारे माँ से लेटर वगैरह से उनकी ताज़ियत थी। यही था मेरा जो मेरे ज़िहन में जो उनके बारे में मैं पेश कर सकता हूँ। शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब बेलगाम में बाशिबान एजुकेशन सोसाइटी के माली इयानत के एक प्रोग्राम के सिलसिले में आए हुए थे और वो सोसाइटी के साबिक सदर जनाब इकबाल सेठ की रिहाइश गाह पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जब जैसे ही मैं उनके सामने गया, उनकी जाज़िब नज़र शख्सियत और एक रौबदार शख्सियत ऐसी थी कि कुछ देर के लिए मेरे औज़ान जो है ख़ता हो गए और मैं उनसे गुफ्तगू करने के लायक भी नहीं रहा। फिर भी आपने जो है एक उर्दू सहाफ़ी की हैसियत से मुझे अपने करीब बुलाया और फिर मैंने उन्हें जोहरे गुफ्तार अखबार पेश किया, उन्होंने अखबार की सुर्खियां पढ़ी और फिर मुझसे कहा कि बेलगाम में और कितने उर्दू अखबारात हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये अकलौता उर्दू अखबार है। जबकि मेरा ये तजुर्बा रहा है कि मैंने बहैसियत सहाफ़ी बहुत सारे बाविकार शख्सियात, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन जनाब यूसुफ़ ख़ान दिलीप कुमार साहब के सामने
मेरी ज़ुबान जो है वो बोलने से कासिर रही। आप ही ने मुझसे कहा कि आप उर्दू सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये काबिले इफ्तिखार है। और आपने कौम के नाम एक पैगाम भी दिया कि आज उर्दू सहाफ़त की ज़रूरत मुल्क व मिल्लत के लिए है। और मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि आप बेलगाम जैसी एक संगलाख ज़मीन में उर्दू अखबार को जारी वो सारी किए हुए हैं। करीब 17 और 20, करीब 35-40 साल हो गए। एक बहुत ही पहले जब मुलाकात हुई तो एक एक्टर के तौर पे हमने उन्हें देखा था और मुलाकात हुई थी। जैसे जैसे जब हम बेंगलोर में थे 1984 के बाद में काफ़ी, तो उनको जो फैज़ान सर हैं हमारे फर्जंद हैं, तो सायरा आपा और यूसुफ साहब का बहुत उनके साथ अटैचमेंट हो गया। तो ये इनका वक्त जब भी वो वहाँ रहते थे शूटिंग के लिए बेंगलोर में महीनों के हिसाब से, तो फैज़ान बाबा उनके ही गोद में ज़्यादा खेलते थे, हमारे साथ कम रहते थे। मगर हमारा जो इंटरेक्शन उनके साथ में रहा है, एक बहुत ही काबिल इंसान, यू लीव असाइड द एक्टिंग पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ नॉट उतना ज़रूरी, मैं नहीं समझता उस पर ध्यान देना हमको। बेशक इनकम्पेरेबल थे उनके फनकार, वो जो भी उनके प्रेजेंटेशंस हुए ऑन स्क्रीन, जो उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया एक पर्सनल तरीके से, मगर एज ए पर्सन बहुत ही लर्नड इंसान, जिनका फारसी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड मैंने देखा है, बहुत बहुत कम लोगों में वो देखा है मैंने, जाना कि देखा ही नहीं शायद, और अच्छे अच्छों को मिल चुका हूँ। तो वो एक उनका नॉलेज था ऑन ऑल दी थ्री लैंग्वेजेस, और ये तीनों लैंग्वेज के लिटरेचर और किताबों पे, हिस्ट्री पे, तो वो लाजवाब, यू कैनॉट कंपेयर इट। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल आदमी, जिनके साथ उनका उठना बैठना हुआ करता था। बड़ा दुख हुआ आपसे सुन के कि आज सुबह में अब वो हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बाकी आपा का भी अगर देखो, पिछले कुछ सालों से जब से इनकी तबीयत नासाज है, एक डेडिकेशन उन्होंने जो दिखाया एक शौहर की तरफ, उनका ध्यान रखने में पर्सनल डे टू डे और हॉस्पिटलाइजेशन में और घर में, वो इट इज़ ए ह्यूज सैक्रिफाइस, इट इज़ ए ह्यूज सैक्रिफाइस। अल्लाह उनको खुश रखे। यूसुफ साहब को तो अल्लाह दुआ करते हैं हम जन्नत नसीब करे, और आपा जान को भी एक अच्छी सेहत से उन्हें ताकत दे अल्लाह के, शी इज़ एबल टू बेयर इट, शी इज़ एबल टू बेयर इट। और जब जाएंगे तो मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह उनसे। बेलगाम में उनका आना हुआ था उस तरह? बेलगाम में जब हुआ था तब तो उतना नहीं था हमारा, जब वो यहाँ प्रोग्राम था जी, एक बार सेठ साहब बुलाए थे उनके घर पे भी, एक दो बार मुलाकात हुई। ज़्यादा हमारा उनके साथ में उठना बैठना 1983 के बाद में, 84 के बाद में बेंगलोर में हुआ, ताकि ज़्यादातर वो वेस्ट एंड होटल में रहते थे, हमारी होटल बाजू में थी, तो फैमिली ज़्यादातर वहाँ रहती थी, हम हमारे काम में रहते थे। और शाम में जब भी मुलाकात होती थी तो जितना भी वक्त उनके साथ गुजारने मिला, हर लम्हा ऐसे जानिए कि कुछ ना कुछ सीखने मिला, कुछ अच्छी बात कानों पे आई, और उससे कुछ एक तजुर्बा हमको उनके साथ, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उनके जो नॉलेज थी, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा सुनने भी मिला, तो आई फील दैट आई हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम हिम, आई हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। अल्लाह मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल, कीप हिम इन पीस, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते।